Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चुप रही। वरना मैं वरना क्या क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? फिर टीम में चल गया रहा फैटी वेरिका के खिलाफ क्या साजिश चल रही है आज? एक्चुअली अभी हाँ मेरा और वेदिका एक सीन हुआ रूम में जहाँ मुझे वो चैलेंज करती है और बोलती है मैं जैकी को वापस से याद दिलाऊंगी कि वो साहिल है। तो मैं भी उसको बोलती हूँ कि मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे करती है क्योंकि मैंने उसको टोटली ब्रेन वॉश किया हुआ है और मैं उसकी जो एंगेजमेंट है भूमि से करवा रही हूँ। अब भूमि और मेरी ये प्लानिंग है कि हम महिला मंडल की जो औरतें हैं उनको बुला के उसे जूते का हार पहनवाते हैं। सो ये सब बस मेरी और भूमि की सब प्लानिंग चल रही है। लेकिन आज वेदिका भी अपने लिए स्टैंड ले रही है। इनफैक्ट जैकी यानी साहिल भी कहीं ना कहीं वेदिका को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इसके अगेंस्ट? हाँ हाँ, मुझे बुरा तो बहुत लगा है कि मुझे लगता है कि कहीं उसको याद नहीं आ रहा हो और इसके कारण सब उसे याद ना आ जाए। बट बस मैं वेट कर रही हूँ कि एक बार एंगेजमेंट हो जाए और फिर मैं उसे वेदिका से हमेशा के लिए दूर कर दूँ। बस अब आप आगे आगे देखिए क्या क्या प्लानिंग करते हैं मैं और भूमि। और जी हाँ, तो उसने जैकी ने उसे रोक दिया। उसे थोड़ा थोड़ा कभी कभी सडनली जब वेदिका सामने आती है उसे टच करती है तो उसे याद आता है कि वही साहिल है। तो मैं और भूमि एकदम ये हो जाते हैं कि वो उसको रोकता है थप्पड़ मारने से। तो तब जाके भूमि उसे सॉरी बोलती है। बट अभी वही मैं वेट कर रही हूँ कि एंगेजमेंट हो जाए एक बार, फिर वो इस घर की बहू बन जाए तो सब सॉर्टेड है। अब आप देखते रहिए आगे क्या क्या प्लानिंग करने वाले हैं हम लोग और देखते रहिए आपके आ जाने से। मैं वापस आई इसलिए थी कि साहिल और वेदिका को अलग कर दूँ। जैसे कि हमारा जो प्लान था उस हिसाब से साहिल अपनी आदर्श भूल चुका है और हमने उसे बिलीव करवा दिया है कि वो जैकी है एंड हमारी सगाई भी फिक्स हो गई है। तो इस चक्कर में मुझे नहीं चाहिए कि कोई भी कोई हर्डल आए या कुछ ऐसा हो जिससे मंगनी का जो सेरेमनी है वो अच्छे से ना हो। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं और उषा एक्चुअली मिलकर ट्राई करते हैं कि हम वो जो व्हाट डू यू कॉल यार महिला मंडल की औरतों को हमने बुलाया है कि उसे जलील करो, उसे इस घर से बाहर निकालो साहिल के एब्सेंस में। बट खेल अगेन हमारे पे उल्टा ही पड़ जाता है कि साहिल इनफैक्ट तब तक वापस आ जाता है और उसे ही उसे रेस्क्यू करता है, उसे सपोर्ट करता है। सो चाले जितनी भी हैं अभी तो फ़िलहाल बेकार हो गई है। बट स्टिल ये हमें यकीन है कि सिंस वो अपनी याददाश्त भूल चुका है तो हम उसके साथ जैसे चाहे वैसा खेल सकते हैं। एंड अभी तो है, अभी और आगे भी करेंगे जब तक ये दोनों अलग नहीं होते। जी बिल्कुल, क्योंकि भूमि अब वापस जब आई है तो अलग ही अवतार में है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा हेट्रेड, बहुत ज़्यादा हर्ट होकर आई है। तो
अब वो वेदिका और साहिल, वेदिका को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो मुझे चैलेंज करते हैं कि वो साहिल को वापस ले लेगी, लेकिन मैं भी यू नो, कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। तो जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो साहिल के करीब जाने की कोशिश करती है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उस पर हाथ उठा लेती हूँ। बट होता ये है कि साहिल मेरा हाथ रोक देता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे कुछ याद तो है नहीं, बट अगेन साहिल जो है कि यू नो, जो एक अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं होने दे सकता, तो वही उसकी वजह से वो मेरा यू नो, हाथ रोक देता है। और मुझे डर है कि शायद अगर मैं ज़्यादा कुछ ड्रामा करूँगी तो उसे शायद याद भी सब कुछ आ जाए, तो मुझे थोड़ा सेफ प्ले करना है यहाँ पे। जी जी जी, होता ये है कि वेदिका साहिल को एक सॉन्ग डेडिकेट करती है, जिससे साहिल की जो कुछ यादें हैं, कुछ मेमोरीज उसे याद आ जाती है और उसे बेचैनी होती है, एंड उसी फ्लो में वो रिंग जो उसके हाथ में होती है वो वेदिका को पहना देता है, एंड अगेन भूमि आती है, उन्हें अलग करती है, खुद वेदिका के हाथों से रिंग निकाल कर अपनी उंगली में पहन लेती है। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसे ये भी पता है कि वो ज़्यादा भी आउटबर्स्ट नहीं कर सकती, बिकॉज उसे ये भी देखना है कि जैकी के सामने उसे अपनी इमेज बना के रखनी है और कहीं ऐसा कोई मौका नहीं देना जहाँ पे उसे उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो गुस्सा भी है, बट थोड़ा यू नो, काम डाउन भी हो जाती है, बिकॉज फ़िलहाल उसे वो सिचुएशन संभालनी है। हाँ, वही हमेशा डर तो है ही, क्योंकि बहुत बार उसे वो बहुत ही बेचैनी होती है, उसका सर दुखने लगता है, तो डर यही है कि याददाश्त एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी वापस आ सकती है, और हम कहीं ना कहीं स्लाइटली वो डर है कि यू नो, अगर वेदिका उसके सामने हमेशा रहेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे उसे उसकी याद दिला दे, तो वो तो डर हमेशा से है ही। बट यू नो, अगेन हमारा प्लान ही वही है कि ऐसा कुछ ना हो और उन दोनों को हम अलग रखें। सो एज यू कैन सी, माई आउटफिट इज ऑल ब्लिंगी, इट्स ऑल गोल्ड एंड इट्स नाइसली स्टाइल्ड। देयर इज अ बेल्ट, यहाँ पे एक बेल्ट भी है जो थोड़ा इंडो वेस्टर्न लुक है, आजकल थोड़ा फैशन में है, एंड आई एम वेयरिंग अ वेरी नाइस क्लासी डायमंड ज्वेलरी विद डायमंड स्टड्स एंड रिंग, तो आप देख ही सकते हैं, बट तो अभी एंगेजमेंट रिंग आनी बाकी है, तो उसके लिए सबको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।